बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशारत चीमा, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक चार मरले का घर लेके आऊँ जो कि बड़ी अच्छी लोकेशन पे है और कीमत इसकी इंतहाई रिजनेबल है। तो चले आए मेरे साथ रहिएगा, इस घर का विजिट स्टार्ट करते हैं और सारी तफसीलात आप लोगों को बताते हैं। तो जी नाज़रीन, ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। 20 फिट इसका फ्रंट है और 45 इसकी लेंथ है। 20x45 का ये घर है। खूबसूरत फ्रंट के ऊपर टाइल लगी हुई है और बड़ा खूबसूरत डिसेंट ये घर बना। ऊपर जो आप लोगों को लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये आप लोगों को क्लियर करवा के दी जाएंगी, ओके करवा के दी जाएंगी। तो इस घर का अंदर से भी विजिट स्टार्ट करते हैं। कीमत भी इंतहाई मुनासिब है, लोकेशन बड़ी अच्छी है। सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो में बताएंगे, साथ रहिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ये इसका कार पोर्च है, बड़ा कार पोर्च है। इसमें आपकी होंडा सिटी सिविक वगैरह गाड़ी ईजिली पार्क हो सकती है। और ये इसका सीलिंग वर्क है। यहाँ पर एक निश दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर लगा हुआ है। तो बड़ा अच्छा इस घर का नक्शा बड़ा अच्छा बना हुआ है, आप लोगों को काफ़ी खुला खुला फील होता है। सामने ओपन स्पेस वेंटिलेशन के लिए एक बेसिन लगा हुआ है। अगर आप इस घर का नक्शा लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नक्शा जो है वो आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाता है, उसके चार्जेस होते हैं, तो वो इंशाल्लाह एक रीजनेबल चार्जेस लेके आप लोगों को नक्शा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके हम ड्राइंग के डोर से एंटर होते हैं। ये इसके ड्राइंग का व्यू है, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, सीलिंग वर्क, और यहाँ पे आप लोगों को एक कॉर्नर विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। इस घर की थोड़ी सफाई होने वाली है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को करवा के दी जाएगी। सामने आते हैं, स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज एरिया है, उसको भी कवर कर दिया है। आप यहाँ पे स्टेयर्स को कवर करके तो इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग दो पोर्शन इंडिपेंडेंट हो जाए अगर आप लोगों ने रेंट आउट करना है। एक बेड नीचे है, दो बेडरूम ऊपर है, दो किचन है यहाँ पे। ये इसकी मीडिया वॉल है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मीडिया वॉल, इसके अंदर वॉलपेपर्स, और ये इसका सीलिंग वर्क है। ये एक बेड है नीचे, इसके साथ जो है वो किचन है। तो आप लोगों को यहाँ से लाउंज का व्यू करवाते हैं। इस घर की लोकेशन अल रहमान गार्डन फेज टू लाहौर है। अल रहमान गार्डन फेज टू लाहौर की अच्छी लोकेशन पे ये घर है। ये इसका किचन, किचन कैबिनेट्स रेड और वाइट कंट्रास्ट में, प्लस जो है ब्लैक का भी टच है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। तो ये बैक ओपन स्पेस की तरफ डोर ओपन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का वाटर पंप लगा हुआ है, गीजर वगैरह आ जाएगा, आप इसको लॉन्ड्री एरिया, वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बेडरूम में चलते हैं। यहाँ पे इसका बेड है, ये वॉलपेपर्स, सीलिंग वर्क, एसी के पॉइंट्स, और ये इसकी वार्डरोब्स हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे मटेरियल से ये हैंडल्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं बता रहा था अल रहमान गार्डन फेज टू लाहौर इसकी लोकेशन है, और इस घर की जो डिमांड है वो 1,10,00,000 है। ये वॉशरूम की टाइल्स, इस घर की जो डिमांड है वो 1,10,00,000 है, जो कि स्लाइटली निगोशिएबल है। आप लोग आएँ इस घर को विजिट करें तो इंशाल्लाह प्राइस कमी बेशी हो जाएगी। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, स्टेयर्स के ऊपर ग्रेनाइट टक्कर के ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं। तो ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं, ये सामने लाउंज, मीडिया वॉल, सीलिंग। तो सामने बेडरूम है। तो ये घर काफ़ी स्पेशियस आप लोगों को लगता है क्योंकि बना इस हिसाब से है, और 20 फिट इसका फ्रंट था और 45 फिट इसकी लंबाई थी। ये आप लोगों का किचन आ जाता है, ऊपर ओपन किचन, यहाँ पे किचन कैबिनेट्स, ये इसका सीलिंग, और ये इसकी स्लैब है किचन की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सिंक मिक्सर आ जाएगा, वो आप लोगों को लगा के दिया जाएगा। 1,10,00,000 इस घर की डिमांड है, जो कि आप लोग इस घर को विजिट कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आप लोगों को विजिट करवाया जाएगा, और अच्छी जो है वो आप लोगों की इंशाल्लाह डील करवाई जाएगी। ये इसका अटैच वॉशरूम, बाकी छोटे छोटे जो काम हैं इस घर में इंशाल्लाह आप लोगों को करवा के दिए जाएंगे। अलमारियां बनी हुई हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग घर विजिट देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग हमसे रब्ता करें ताकि आप लोगों को अच्छी चीज़ दी जाए, क्योंकि वीडियो हम हर घर की बनाते हैं। किसी का मटेरियल अच्छा होता है, किसी का नहीं अच्छा होता,
लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं तो आप लोगों को बताते हैं इंशाल्लाह, तो मटेरियल की गारंटी भी होती है। लेकिन कुछ लोग वीडियोस देखते हैं तो बाद में अपने तौर पे जाके कोई घर परचेज कर लेते हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे मटेरियल वाले, नाकस मटेरियल वाले सारे घर हमारे पास होते हैं और हम मार्केट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग हमारे पास आते हैं, आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं और जो उनके बारे में फैक्ट है, वो फिगर्स हैं, वो बताई जाती हैं कि ये जी इसका मटेरियल इस तरह का है, इस तरह का है, वो ओवर द फोन या फिर आप लोगों को जो है ना वो वीडियो में नहीं बताई जा सकती। इसका ओपन टेरेस है, इसके बाद हम जाते हैं छत के ऊपर भी विजिट करवा देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अच्छा कंसल्टेंट का इंतखाब करें और कोशिश करें कि आप लोग हमसे रब्ता करें ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी जाए। ये इसका ओपन स्पेस, ये है आपकी स्टोरेज एरिया। छत के ऊपर आते हैं तो छत के ऊपर वाटर टैंक मौजूद है, ऊपर वॉशरूम मौजूद है, इसके वॉशरूम। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप इस घर का नक्शा चाहते हैं तो नक्शा जो है वो आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाता है, उसके चार्जेस होते हैं, आप लोगों को बना के दिया जाएगा, उसके मुनासिब से चार्जेस होंगे। दोनों तरफ इस घर के घर बने हुए हैं और 30 फीट के बाहर रोड है, आबाद गली में है। तो इस घर की डिमांड 1,10,00,000 है कैश पेमेंट पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।